आज आर्य गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 22 लाख की लागत से 50 किलोवाट के लगाए गए सोलर ऊर्जा सिस्टम के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह की मुख्य अतिथि उपायुक्त सुमेघा कटारिया रही। स्कूल के पूर्व प्रबंधक वीरेंद्र सिंगला विशिष्ट अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में मौजूद रहे। समारोह की अध्यक्षता मैनेजर सचिन सिंगला ने की। प्राचार्य मीनाक्षी अरोड़ा ने विद्यालय की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि ने माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह को संबोधित करते हुए उपायुक्त सुमेघा कटारिया ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताएं और बिजली के क्षेत्र में नए नए आविष्कारों के आ जाने के कारण बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन ऊर्जा के स्रोत उतनी ही तेजी से कम हो रहे हैं। यदि हमें प्रकृति और संस्कृति को बचाना है तो प्रत्येक संस्था व प्रत्येक परिवार की छत पर सौर ऊर्जा के उपकरण हर हाल में लगवाने होंगे। गर्ल्स पब्लिक स्कूल ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है। उन्होंने 50 किलोवाट का सोलर ऊर्जा का प्लांट लगाया है, जिसमें ये सारी उनके जितना एनर्जी कंजम्पशन है उन डिमांड को केटर करेगा, और जो छुट्टी वाले दिन हैं, छुट्टियों वाले दिन हैं, उनमें सब वो पावर ग्रिड में हस्तांतरित हो पाएगी उनकी ऊर्जा। मुझे लगता है कि ये एक दिस इज़ एन एग्जाम्पल टू बी एम्यूलेटेड। सबको इसको फॉलो करना चाहिए। जो रूफटॉप सोलर एनर्जी है, इट्स ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और उसमें फ़ायदा जो है वो सर्वविदित है। सिर्फ यही नहीं, मुझे लगता है कि इस पूरे उदाहरण से एक सीख बच्चों तक भी जा रही है कि वो कैसे ऊर्जा का संरक्षण जो है, ऊर्जा का जो सेविंग है वो ऊर्जा की जनरेशन भी है, और जिस चीज़ से हम जूझ रहे हैं वो उतना सप्लाई की प्रॉब्लम नहीं है जितना उसके मिसयूज़ और वेस्टफुल यूज़ की है। तो इस दृष्टिकोण से आई रियली कंग्रेचुलेट देम फॉर दिस एफर्ट दैट दे हैव मेड कि सोलर प्लांट उन्होंने लगाया है। एंड आई थिंक ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इवन आई ऑल ऑफिसेस शुड फॉलो दिस। आज आर्य गर्ल्स पब्लिक स्कूल में 50 किलोवाट का जो नया सोलर पावर प्लांट लगाया गया है उसका उद्घाटन उपायुक्त पानीपत किया यहाँ पर, और बच्चों को क्लास शो का था उसमें वो बतौर मुख्य अतिथि आई। उपायुक्त महोदय ने स्कूल की बहुत प्रशंसा की, एक स्कूल एग्जांपल सेट कर रहा है पानीपत में कि जो 50 किलोवाट का ये इन्होंने लगवाया है इससे बिजली की बचत भी होगी और आगे लोगों को इससे इंस्पायर भी होगा। सर, आपके स्कूल ने सोलर पावर प्लांट लगाया, इसके पीछे मेन मोटिव क्या रहा आपका? मोटिव का जी, एक तो सरकार इसमें बहुत सहयोग कर रही है और जिस हिसाब से बिजली की कमी है और लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से भी एक ये लगवाना ज़रूरी था। सरकार इस पर सब्सिडी भी दे रही है, प्लस भविष्य में इन प्लांट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, लोग इस एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, इस वजह से ये लगवाया। जो आर्य स्कूल ने भी प्लांट लगाया है उसके अंदर उनकी बिजली की लगभग 80-90% बिजली की सेविंग हो जाएगी। ये पूरा प्लांट एक दिन के अंदर अमूमन तकरीबन 200-250 यूनिट पर डे जनरेट करेगा। जितनी बिजली स्कूल यूज़ कर लेगा उतनी स्कूल में काम आ जाएगी, उतनी सेविंग हो जाएगी, और जितनी एक्स्ट्रा बिजली होगी वो सारी के सारी बिजली बोर्ड को चली जाएगी और उसका बेनिफिट स्कूल को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट स्कूल्स को तब है जब स्कूल्स छुट्टियों में है, जब गर्मी की छुट्टियाँ हैं तो एक्स्ट्रा। उस हालात में ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कम स्कूल का जो बिल है वो बिल्कुल माइनस में आए, नेगेटिव है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है स्कूल को लगाने के लिए।